क्रेटा 2024 वेरिएंट ई e, दोस्तों हमारे ई e वेरिएंट के काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे जो गज्जा मॉडल में अपग्रेड होते हैं क्रेटॉन में अपग्रेड होते हैं हमारा ब्लैक कलर का जो वीडियो है नाइट एडिशन वाला भी आपने देखा है लेकिन दोस्तों जब कोई व्हाइट कलर की कार नाइट एडिशन में अपग्रेड होती है और उसमें भी सोने पर सुहागा एनलाइन के व्हील इंस्टॉल होते हैं तो उसकी कुछ बात कुछ और होती है उसका एक रोड प्रेजेंस कुछ अलग होता है उसका एक रुतबा अलग होता है आज आप रुतबाउली ट्वेंटी साइड प्रोफाइल से देख के समझ गए हैं इसके अंदर एटीन इंच के अलाइविल हमने इंस्टॉल किए दोस्तों ये परफॉर्मेंस एलोइविल आते हैं अगर क्रेटा का आप टॉप वेरिएंट भी टर्बो ले लेंगे ना तो भी 17 इंच आता है 18 इंच चाहिए तो ज़्यादा पैसे आपको खर्चे करना पड़ेगे और वो भी एनलाइन लेनी पड़ेगी दोस्तों ये परफॉर्मेंस व्हील है इसकी कुछ बात कुछ और है और आप देख सकते हैं मेरी क्रेटॉन की सीरीज़ मेरी गेज मॉडल की सीरीज़ अगर क्रेटॉन के बाद कुछ अलग है तो ये वाली चीज है फ्रंट प्रोफाइल ऑफ़ कार में सबसे पहले हमने पैरामेट्रिक ग्रिल ये कार के अंदर इंस्टॉल किए और हर क्रेटा वालों को यह चीज इंस्टॉल करनी ही चाहिए ये ग्रिल की बात कुछ और है ये आपको डाक क्रोम में आता है दोस्तों सेंटर जो मिसिंग पार्ट था वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है और दोस्तों सेंटर के जो अपर कवर है वो भी रिप्लेस होते हैं तब जाके परफेक्ट फिटिंग आती है पैरामेट्रिक ग्रिल और डी आर एल आपको इंस्टॉल करनी चाहिए दोस्तों जैसे कि सब जानते हैं ये कार में गन मेटल कलर की स्कीट प्लेट लग के आती है उसे रिप्लेस करके नाइट एडिशन की हमने स्कीट प्लेट्स इंस्टॉल की है जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की आती है दोस्तों जो पैरामेट्रिक ग्रिल है जो साइड पोर्शन आता है वो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का ही आता है उसका सेंटर लोगो भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का आता है इसी के लिए हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की स्कीट प्लेट्स हमने इंस्टॉल की है वाइट कलर की कार जब स्किट प्लेट्स चेंज होती है नाइट एडिशन की उसकी कुछ बात ही कुछ और होती है दोस्तों गन मेटल तो कॉमन हो चुकी है इसके साथ कमेंट में मुझे जरूर बताना कि किस तरीके से लग रही है साइड प्रोफाइल में 18 इंचेस के अलॉय व्हील आप चेकआउट कर सकते हैं मिरर के कवर्स भी हमने ब्लैक कलर के ही इंस्टॉल किए हुए हैं दोस्तों ये कार में एडवेंचर के ही वेंट्स हमने इंस्टॉल किए क्योंकि एडवेंचर के वेंट्स और पैरामेट्रिक ग्रिल सेम आते हैं दोस्तों जो ब्लैक क्रोम वाले आते हैं इसी के लिए हर चीज करेंगे तो परफेक्ट करेंगे ये कार में जो सिल्वर पैनल्स हैं उसे भी रिप्लेस करके हमने नाइट एडिशन के पैनल इंस्टॉल किए हैं और ब्लैक कलर की रूफ रेल हमने इंस्टॉल की है दोस्तों कुछ न्यू ओनर ऑफ द कार आप देख सकते हैं नहीं हमारी महाराष्ट्र धुलिया से कार आई है सो मच कॉन्फिडेंस तनवीर भाई आई एम सेंडिंग दिस व्हीकल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट जो एडिशन बनाना है आप बनाइए लेकिन मैं जानता हूं आप जो काम करके देंगे और जो चीज बना के देंगे वो एक अलग रहेगी ये कार में हमने स्पॉयलर भी इंस्टॉल किया है जो इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स आता है दोस्तों जो इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे तो ये वाला स्पॉयलर लग के आएगा एक लुक एक स्टैंडआउट अलग है और ये स्पॉयलर के साथ बहुत प्यारी दिखती है जेन्यून हमने शार्पिन एंटीना भी इंस्टॉल किया है और रियर की भी स्किट प्लेट्स हमने रिप्लेस की है अगर फ्रंट की करेंगे साइड की करेंगे तो रियर की भी स्किट प्लेट्स हमने रिप्लेस की है एग्जिस्टिंग गन मेटल कलर की आती है उसे रिप्लेस करके हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की स्किट प्लेट्स इंस्टॉल की है लेकिन दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स पॉइलर आपको किस तरीके से लगा है और ये क्रेटा कार में जो हमने नाइट एडिशन में इंट्रोड्यूस किया है आप जरूर कमेंट में मुझे बताना दोस्त ये स्पॉइलर और एनलाइन के एलोय और ब्लैक नाइट एडिशन की स्किट प्लेट के साथ एक अलग ही इसका रोड प्रेजेंस रहता है। इंटीरियर में दोस्तों ये कार में इनर हैंडल्स हमने रिप्लेस किए हैं हमारी सीट कवर की फिटमेंट फिनिशिंग बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं आइसपल डार्क ग्रे विद द कॉपर स्टिचिंग के साथ ही इंस्टॉल किए हैं चारों डोर की लेदर रैपिंग की है इनर हैंडल्स हैं और जो मिरर्स हैं हमने ट्रिम रिप्लेस किए हैं जैसे कि आप सब जानते हैं और दोस्तों मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट की है मैंने समझाया भी है और यही बात आपको बोली है मेरे से नहीं किधर से भी काम कराइए मैंने बोला है आपको अच्छा काम कराने के लिए सस्ता और लोकल काम कराने के लिए नहीं बोला है और दोस्तों मेरे से जितना हो सका ना जो काम करा के भी आते थे उनको मैंने रेक्टिफाई भी किया कैसे मैं बोलता हूँ ट्रिम चेंज करो कटिंग करा के आ जाते हैं कटिंग बराबर नहीं होती तनवीर सर रेक्टिफाई करके दो दोस्तों मैं बोलता हूँ ट्रिम ओरिजिनल लगाइए और ओरिजिनल की निशानी यह है लेफ्ट और राइट आपको लिख के आता है कॉपी ट्रिम्स लगा के आ जाते हैं लेफ्ट और राइट लिख के नहीं आता है तो दोस्तों अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करो सस्ते के चक्कर में मत जाओ अच्छी चीज लगाओ दोस्तों हमारा रेट उन्नीस हजार सौ रुपया है पूरे मिरर स्ट्रिम इनर कवर के साथ और कोई बोलता है पांच सौ हजार ज्यादा मांगता है मैं बोलूंगा दे दो लेकिन सस्ते के चक्कर में कुछ भी सत्यानाश मत करो आपकी कार में बस बाकी आपके ऊपर है दोस्तों सीट कवर की फिटमेंट फिनिशिंग बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से सीट कवर को इंस्टॉल करते हैं द सेम इंटीरियर कॉन्सेप्ट का ही हमने सीट कवर इंस्टॉल किया दोस्तों ये कार में मैट्स भी हमने अलग इंस्टॉल की है ये डार्क ग्रे आइस ग्रे की पाइपिंग है और स्टिचिंग जो है हमारी कॉपर कलर की है तो ये कुछ डिफरेंट मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है स्टेयरिंग ऑडियो लगाया है क्रूज कंट्रोल भी हमने इंस्टॉल किया है सन होल्डर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है प्लेयर हमने ये कार के अंदर मोन्टेको पे इंस्टॉल किया है नाइन नाइनटी विथ थ्री सिक्सटी बर्ड व्यू के साथ फोर बाई है, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है हाई वोल्ट से दोस्तों इसके अंदर Sony ES सीरीज का सेटअप किया आप देख सकते हैं मेरे पास भी है प्लेयर आप बड़े ही बोल दो छोटे बोल दो टेन पॉइंट थ्री थ्री बोल दो लेकिन दोस्तों वो कोई ब्रांड नहीं है और मैं इनको कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं दे सकता हूँ जो इन्होंने लिखा है मोन्टेगो बे में वो परफेक्ट है बाकी दोस्तों मेरे पास भी है ना दस और प्रोडक्ट हैं मैं भी दे सकता हूं लेकिन वो जो क्वालिटी चाहिए जो हाई रिस्क की चाहिए हाई वोल्ट की चाहिए वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी इसी के लिए मैंने कस्टमर को सजेशन दिया आप मॉन्टे को इंस्टॉल कीजिए यस दोस्तों में हमारे भी प्लेयर आने वाले हैं लेट आएंगे लेकिन परफेक्ट आएंगे ये नहीं कुछ भी लगा दिया बॉडी से बाहर आ रहा है शैबी दिख रहा है वैसा काम नहीं करेंगे लेट आएंगे लेकिन सुपर परफेक्ट के साथ आएंगे वेट एंड वॉच उसके भी वीडियोस आएंगे लेकिन अब तक जो चीज परफेक्ट है सूटेबल है आपकी कार के लिए हम वो ही काम करेंगे तो आज का वीडियो जो एडिशन हमने इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के सामने कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों मेरी जो अपग्रेडेशन रहती है एक परफेक्ट अमाउंट की रहती है सो so डैट एक लुक भी आए परफॉर्मेंस भी आए और सालों साल के बाद कस्टमर फ़ोन करें ना थैंक यू के लिए आना चाहिए दोस्तों एक एक चीज़ देखिए ना परफेक्ट अमाउंट आपको कोई भी डिश खाने में कैसी लगती है जब परफेक्ट हर चीज़ के मसाले रहेंगे कुछ भी ज़्यादा लगा दिया कुछ भी कलर डाल दिया वो सब चीज़ में मज़ा नहीं है ये परफेक्ट अमाउंट ऑफ अपग्रेडेशन है और प्राउडली दोस्तों ये हमारी ई e वेरिएंट कार है मैंने हर वीडियो में मैं फिर से बोलता हूँ मेरी कंपैरिजन जो रहती है ना ई e की जो रहती है ई एक्स वेरियंट में रहती है ई e एक्स में डेढ़ पौने दो लाख रुपया मत डालिए थोड़े और पैसे डाल के ई e को अपग्रेड कीजिए दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं अगर वैल्यू फॉर मनी है तो ई e लीजिए नहीं है तो सीधा टॉप मॉडल आप ले लीजिए ई e, एक्स वगैरह कोई मतलब के नहीं है मॉडल वो पैसा आप ई e में डाल के आप अपग्रेड कीजिए और दोस्तों आज तो जो मैंने अपग्रेडेशन और एडिशन बताया ना टॉप मॉडल भी रख लेना सामने तो भी लोग इसी को देखेंगे ये हमारी नाइट एडिशन है दोस्तों तो ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट ये क्रेटा ई अपग्रेडेड टू नाइट एडिशन विद द एन लाइन के व्हील किस तरीके से लगे हैं कमेंट जरूर करना दोस्तों ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वन सक